सो हेलो हेलो हेलो, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आज हम लोग देखेंगे मैटर इन आर सराउंडिंग क्लास 9 साइंस है बोल तो केमिस्ट्री उसका पार्ट नंबर 2। इस वीडियो में जो हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन और कुछ साइंटिस्ट का नाम देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे शायद चार्ट में दिख भी रहा होगा, वो सब साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और भी बहुत, जैसे लैटेंट हीट है, मतलब लगभग इसमें जो हम लोग चीज पढ़ने वाले वो कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड ही पूरा चैप्टर में जो है, अब जो इस पार्ट में जो है पूरा टेम्परेचर से रिलेटेड चीज ही हम लोग पढ़ने वाले, वो देखते कैसे क्या है। तो पहला तो टेम्परेचर जो हमारा जो मेन टॉपिक हो गया यहाँ पे, टेम्परेचर का 3 स्केल होता है। एक हो गया सेल्सियस स्केल ना, जो कि हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है या फिर आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होके वेपराइज होता है वगैरह वगैरह, सेल्सियस स्केल में हम लोग बताते हैं। बट ये जो है ये हमारा ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट है ये केल्विन स्केल। ठीक है, अब केल्विन स्केल में जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाने का। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल का डिस्कवरी किसने किया? ए सेल्सियस, ए का यानी अंद्रेस सेल्सियस। ठीक है, और केल्विन स्केल का लॉर्ड WT केल्विन, या इसका फुल फॉर्म जो है लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। ठीक है, वो थॉमसन तो वो एक तो फायर में गन भी होगी तो पता ही होगा ना, थॉमसन। ठीक है, और उसके अलावा जो एक और मेन जो पॉइंट हम लोग याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। उसके अलावा एक चीज जो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जो दिया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी में, वो है कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। इसका मतलब कि मान लीजिए आपको दिया हुआ, जैसे कि आपको बोला है कि आपको आपके पास है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप इसको केल्विन स्केल में यानी कि ऐसा यूनिट में चेंज कीजिए, तो आप लोग कैसे चेंज कीजिएगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, ठीक है, और उसमें 273 ऐड कर दीजिए, 273 यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हमारा केल्विन में आएगा, अगर क्या 274 केल्विन। ठीक है, ये हुआ। वहीं अगर आपका केल्विन में दिया हो आपको सेल्सियस में निकालना हो तो सिंपली इसको माइनस कर दीजिए। अब तो फॉर्मूला आप यहाँ से ही बना सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, इसको आप उठा के यहाँ लेके जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस का, है ना। जैसे कि आपको दिया है कि आपके पास है 1 केल्विन आपका टेम्परेचर दिया है, तो उसमें सेल्सियस कितना होगा, तो जाएगा कितना, 1 माइनस 273, इतना आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में, यानी कि -272 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस ऑफ फारेनहाइट में डिग्री लगता है बट केल्विन में डिग्री नहीं लगता। उसके अलावा कोई बंदा का दिमाग में चल रहा है कि भैया फारेनहाइट में भी होता है, फारेनहाइट स्केल भी होता है, फारेनहाइट से हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें? तो उसका सिंपल फॉर्मूला है आपका F=9/5C इंटू सेल्सियस का टेम्परेचर होता प्लस 32 है, चेक कर लेना, ये था ये सर मेरे ख्याल से ना, प्लस 32 ये होता है हमारा फारेनहाइट से सेल्सियस का फॉर्मूला। तो अब यहां से आप सेल्सियस का भी निकाल सकते हो, पहले एफ को यहाँ के ले जाके माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद 5/9 हो जाएगा, सिंपल है, ज्यादा कुछ मतलब क्रिटिकल नहीं है उतना। उसके बाद आपका सेल्सियस निकल गया था, उसके बाद केल्विन वाला फॉर्मूला के भी निकाल सकते हो। वैसे ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्योंकि अभी जो हम लोग नया पैटर्न जानते हैं कि सीबीई आया है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहिए। ठीक है, ये सब नॉर्मल जो चीज है वो आना भी चाहिए कि फारेनहाइट से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि लोअर क्लासेस में मैथ्स में हम लोग पढ़े थे, मैथ्स, ठीक है, साइंस में मैथ्स में पढ़े थे। ठीक है, तो ये सब हो गया थोड़ा सा। अब फारेनहाइट स्केल का डिस्कवरी कौन किया ये आप लोग बताइएगा, कौन बताएगा? आप लोग बताएगा, जी हाँ आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कि फारेनहाइट स्केल का डिस्कवरी किसने किया था। उसके अलावा ये सब जो है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें था कि 225 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, वो सिंपल होगा, आपको इसी फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला में, तो कैसे बन जाएगा, 25 प्लस 273, आंसर कितना आ गया आप लोग निकाल फाइंड करो, हम बताते हैं आंसर कितना आया, हो गया निकल गया कितना, कुछ 298 आया होगा ना, कुछ 298। ठीक है, सिंपल सा 25 ऐड कर दो, 298 ही आएगा, 298 केल्विन, डिग्री मत लिखना। ठीक है, उसके अलावा जो एक जो मेजर चीज जो सबको पता होनी चाहिए बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, कि सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर माना जाता है वो है हमारा 0 केल्विन को मानते हैं सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, सबसे लोएस्ट है 0 केल्विन है, यानी कि जब हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, इस सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, सबसे लोएस्ट, इससे नीचे अभी तक तो नहीं पहुंचा गया। ठीक है, अभी आगे इन फ्यूचर हो सकता है,
क्या पता आप लोग में से कोई बंदा निकल के इसको इतना से छोटा कर दे। ठीक है, ये जो था कुछ जनरल बातें थी टेम्परेचर के केस में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये लगभग आपका 1 मार्क में एमसीक्यूज में एक तो डाल सकता है, फील्ड ऑफ ब्लैंक्स में डाल दिया जाता है इसमें से कुछ, जैसे कि ये वाला चीज आपको फील्ड ऑफ ब्लैंक्स में पूछ लिया या एमसीक्यू में पूछ लिया, फिर आपको बहुत जगह जो है फिर जो आपका सीबीई बेस्ड जो या फिर हम जो अपने भाषा में बोलते हैं पीसा बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो उसमें ये सब पूछता है, ये सब केस बहुत ज्यादा आता है टेम्परेचर वाला केस, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, लैटेंट हीट में। तो लैटेंट हीट की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज जो है सबको पता ही होगी वैसे, फिर भी बता दे रहे हैं वापस कि कोई भी चीज का अपना वो क्या होता है स्टेट, स्टेट होता है ना सॉलिड लिक्विड और गैस, अभी तीन स्टेट में चल रहे प्लाज्मा बीसी, हम लोग लास्ट में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट में देखेंगे ठीक, उसका भी दिमाग से थोड़ा निकाल लेना। तो कोई भी जो हम लोग स्टेट देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस, वो हम लोग जानते, जैसे कि सिंपली हम लोग आइस को ही ले लेते हैं, तो आइस क्या होता है, वो आइस हमारा लिक्विड में चेंज होता है, वो लिक्विड से फिर क्या वो आइस वापस से गैस में भी चेंज हो सकता है ना, वेपराइज हो जाता है, फिर वो वेपराइज जो होता है वेपर जो हम लोग का जाता है, उसके बाद वो देखते हैं हम लोग सुबह सुबह वो जो बोलते हैं ना ओस गिरता है, तो ओस में क्या पानी का ड्रॉपलेट्स आता है, वो भी मतलब वो क्या हुआ वेपर से हमारा लिक्विडाइज हुआ, वो लिक्विड को हम लोग वापस से अगर फ्रीज करते हैं, फ्रीज बोलना नहीं चाहिए था अभी खैर बोल दिए, तो वाटर से हम लोग क्या करते हैं आइस बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो पूरा केस हम लोग क्या करते हैं पहले देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजिंग होता है, कैसे जब हम लोग आइस को हम लोग वाटर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए, जब वाटर से उसको गैस में बनाए तो वापस से हम लोग क्या किया टेम्परेचर इंक्रीज किया, और उल्टा जस्ट अपोजिट जब हम लोग गैस से हम लोग लिक्विड बनाते तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, और फिर जब उसको वापस से हम लोग आइस बनाते हैं उसको टेम्परेचर और डिक्रीज करते हैं ना। तो इस केस में होता क्या है कि हम लोग उसको कुछ एक टाइप का हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से एक जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग लैटेंट हीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट जो चीज है वो भी नाम जो सबका है वो समझ लो कि जब हम लोग कोई भी चीज को जैसे कि सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं लिक्विड बनाए, उसको हम लोग या तो फ्यूजन बोलेंगे या तो मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है फ्यूजन या मेल्टिंग नाम याद रखना, या तो हम लोग उसको फ्यूजन बोलते हैं या तो मेल्टिंग बोलते हैं जब हम लोग क्या करते हैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, उसके बाद जब हम लोग लिक्विड को वेपराइज या फिर गैस में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग बोलते हैं वाटर केस में, स्पेशली वाटर केस में बॉइलिंग बोलते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग वेपर से वापस जब हम लोग सॉलिड में बनाते हैं तो सॉरी वेपर से जब हम लिक्विड बनाते हैं क्या कहते हैं उसको ठंडा करते हैं थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन, सबको पता होगा। उसके बाद कंडेंसेशन के बाद क्या होता है वहां पे फ्रीजिंग होता है, उसके बाद जब वाटर को लेकर हम लोग जब फ्रीज में डालते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं उसको है ना, जब लोग लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं ठीक है। तो बात कर लेते हैं लैटेंट हीट का, लैटेंट हीट से इतना बच कर रहे थे, लैटेंट हीट के बारे में तो बताया ही नहीं कुछ है। तो लैटेंट हीट देखो भैया, लैटेंट का मतलब होता है हमारा हिडन, सुन के चौंक नहीं गए क्या कि छुपा हुआ हीट से कैसे कोई चीज, मतलब छुपा हुआ हीट क्या छुपेगा कैसे है ना, हिडन छुपा हुआ हीट छुपा हुआ कैसे वो देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो मिल रहा होगा, द हीट एनर्जी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग जो है आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज वगैरह दिया हुआ, तो उस एक्टिविटी को पढ़ लेना, वैसे उस एक्टिविटी को समझा देते कि होता क्या होता, उसमें आपको एक मतलब एक अच्छे से आपको उसमें बहुत सारा मतलब बहुत कुछ होता है उसमें, तो हम पूरा बना नहीं दे सिस्टम, उसमें आपका एक ट्राइपॉड होगा वायर गेज होगा और बहुत कुछ होता है ठीक है। हम बस जो मेन जो चीज है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये होगा आपका थर्मामीटर, यहाँ पे हम लोग लेते हैं आइस ठीक है, ये क्या है हमारा आइस है ठीक है, नीचे हमने क्या लिया बर्नर, तो बर्नर नहीं लगा कुछ और लगा बर्नर ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आइस का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हम इसको हीट प्रोवाइड भी कर रहे हैं ना, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस कब तक रहेगा, जब तक ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर नहीं बन जाता तब तक क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही आपको शो होगा वहां पे ठीक है, आइस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। उसके अलावा जो है आप वाटर केस में सेम होता है, सेम आप लोग स्ट्रक्चर बना के वहां पे देख सकते हैं वाटर केस में भी होता है,
ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? तो भैया हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज होता है सब्सटेंस, जैसे कि आइस वाला केस में उसका सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा उसका। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स को तोड़ने के लिए हम लोग को अलग से कोई एनर्जी डालना पड़ता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को ब्रेक करते हैं ना, जैसे कि मार्कर को ही तोड़ना रहा तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बाहर से थोड़ा आउटसाइड एनर्जी डालते हैं, तो इसको भी आउटसाइड एनर्जी चाहिए। जब इसको आउटसाइड एनर्जी चाहिए तो हम लोग किसके फॉर्म में दे रहे, हीट के फॉर्म में। तो भैया अब उसका एनर्जी क्या है, वो यहाँ पे इसका अट्रैक्शन जो है, मतलब इस पार्टिकल को यहाँ पे, इस पार्टिकल यहाँ 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 सबको दूर करने में क्या हुआ, वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं बोल सकते, यूज अप हो गया। अब भैया कुछ हीट बचा ही नहीं, तो आपको आपको थर्मामीटर में घंटा कुछ शो करेगा, बात तो बोल सही बोले कि नहीं, आपका जब कुछ रहेगा ही नहीं तो आपका तो थर्मामीटर में घंटा कुछ शो होने वाला है ना, तो कोई हीट बचा ही नहीं तो घंटा कुछ होगा वहां पे। तो यहाँ पे हो गया आपका ये चीज, जो यहाँ पे ऐसा करने में यूज हो गया। अब लिक्विड के समय भी केस होता है, क्या होता है वहां पे कि आपका जो लिक्विड से और ज्यादा दूर पार्टिकल करना पड़ता है, तो उसमें फिर वो एनर्जी वहां यूज हो जाता है, सिंपल। तो यानी कि आपको लैटेंट हीट क्यों है, तो द रीजन बिहाइंड दिस दैट द हीट इज हिडन बिकॉज ऑल द हीट इज यूज अप इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, या फिर ऑफ अ सॉलिड लिक्विड और गैस, गैस को और तो तोड़ नहीं सकते वैसे, है ना। तो ऐसा हो गया आपका लैटेंट हीट, इसी को बोलते हैं। और लैटेंट हीट और फ्यूजन सेम होता है, बस ये किसके लिए होता है, फ्यूजन किस लिए नाम है, फ्यूजन किस लिए होता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के लिए, बस ये सॉलिड से लिक्विड होता है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस। अच्छा बहुत दिन का मन में सवाल आया हुआ, कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा हमको कोई भी चीज को चेंज करने के लिए, है ना। तो आइस के केस में हमारा जो है, सिर्फ आइस के केस में बता रहे हैं, उसमें जो है आइस को हम लोग वाटर कन्वर्ट करने में 3.34 इन टेन द पावर 5 जूल पर केजी, 3.34 इंटू टेन द पावर 5 जूल पर केजी इतना हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इतना हीट एनर्जी नहीं दीजिएगा तब तक आपका टेम्परेचर में चेंजेस नहीं दिखेगा। और वही लिक्विड के केस में क्या होता है, 2.2 इंटू टेन द पावर 5 जूल पर केजी। अब यहाँ पे ये चीज समझ लिए, 2.5 होगा, 2.5 × 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। इतना आपको वाटर टू वेपर, और हर एलिमेंट का अलग होता है क्योंकि हर चीज में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। वो हम लोग जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वगैरह लास्ट केमिस्ट्री का चैप्टर वगैरह, या फिर थर्ड फोर्थ चैप्टर साइंस का, उसमें आप लोग ये डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। वो चीज तो अभी बाद में आएगा, ये चीज, ये नंबर आप लोग थोड़ा याद रखना। तो अब जो है आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो है वो समझ लेते हैं, उसमें क्या करना है। उसमें आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि व्हाई डू मतलब स्टीम कॉज मोर सीवर बर्न्स देन हॉट बॉइल्ड वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस का। यानी कि आपके पास जो है एक 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, एक 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है, तो दोनों केस में क्या होता है आपका कि सीवर बर्न स्टीम ज्यादा करता है। हम लोग देखते भी जब मतलब पानी में हम लोग हाथ डालते गर्म पानी में 100 डिग्री सेल्सियस का, तो ज्यादा नहीं कुछ मतलब थोड़ा सा जलता हुआ फील होता है। उसके बाद जब अगर हम लोग स्टीम में हाथ डालते तो यहाँ पे ऐसा फोड़ा टाइप उड़ जाता है ना, वो ऐसा क्यों होता है उसका केस जो अभी हम यहाँ पे ये जो नंबर बता ना, इसके कारण क्योंकि जो लिक्विड है उसके पास मान लेते कुछ इतना जूल एनर्जी हुआ है, सॉलिड से लिक्विड बना तो इतना जूल एनर्जी हुआ उसके पास, वही जब लिक्विड टू गैस गया तो उसके पास इतना एनर्जी हिडन है, इतना एनर्जी उसके पास हिडन एनर्जी है इतना, तो वो जो हिडन एनर्जी होता है उसके कारण जो है हम लोग को ज्यादा सीवर बर्न होता है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से इंग्लिश में सजा के थोड़ा लिख दिया करो, है ना, क्योंकि अब भैया क्योंकि सब कुछ अब यहाँ पे बताने लगे ना तो आपका जो माइंड का जो होगा ना, क्या बोलते हैं, माइंड ग्रोथ, वो कम हो जाता है, ठीक है। वो सब ये सब थोड़ा खुद से किया करना, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इसके अलावा इसमें से लेके कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन पब्लिकली ओपन है। तब इसके अलावा जो है, अच्छा हम लोग यहाँ पे अभी क्या सुने थे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, है ना। अब ऐसा कोई चीज है क्या जो हमारा डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जाता है, या फिर डायरेक्ट गैस टू सॉलिड बन जाता है? जी हाँ बिल्कुल है, आपका नेपथलीन वाल तो देखे ना,
नेपथलिन मॉल को कभी आप लोग देखे हैं कि उसका पानी कोई नीचे में कहीं रुक जाता है? नेपथलिन मॉल पता ना, वो फिनाइल का जो बॉल आता है जो टॉयलेट्स वगैरह में या फिर क्लॉथ के बीच में डालते हैं कि स्मेल ना करे और फिर वगैरह कीड़ा कीड़ा वगैरह को भी दूर रखते हैं ना, वो सब का लिक्विडाइज फॉर्म कहाँ? वो तो हम लोग को आज तक नहीं मिला। हाँ कहाँ गया उसको? तो उसका एक और प्रोसेस प्रोसेस बोलते हैं उसको, उस जैसे कि हम लोग देखे फ्यूजन होता है, मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, वेपराइजेशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लोग सब्लिमिनेशन। सब्लिमिनेशन प्रोसेस है क्या, वो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब जो हम लोग बात करने वाले सब्लिमिनेशन के ऊपर, सब्लिमिनेशन देख लीजिए आपको ये पूरा डायग्राम से ही, मतलब ये जो पूरा चीज से लिखा है यही पूरा सब्लिमिनेशन का है। सब्लिमिनेशन क्या होता है कि इसका डेफिनेशन जो है बता दे रहा हूं, आप लोग नोट आउट कर लो कि सब्लिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट एंटरिंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में जाए घुसे क्या कर सकता है, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड आ सकता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सब्लिमिनेशन। सब्लिमिनेशन किस्म किस्म होता है, तो पहला तो हम आपको बताएं नेपथलिन बॉल, नेपथलिन बॉल। दूसरा आपका अच्छा सीआईडी वगैरह जो देखा उसको एक तो चीज पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी डायरेक्ट क्या होता है, गैस में चेंज होता है ना। वो भी हो गया सॉलिड, सॉलिड क्या, CO2। ठीक है, अच्छा घर है वो जो यहाँ पे हिंदू जो देख रहे होंगे उनके लिए कि आप लोग के घर में पूजा वगैरह होता है तो उसमें आप लोग देखते हैं कपूर वगैरह चढ़ता है, कपूर वगैरह जलाते हैं, है ना। तो कपूर जलाते हैं वो क्या, हम लोग देखते हैं क्या कि उसमें क्या हमारा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट क्या कहीं लिक्विड में एंटर करता है? तो फिर कोई जो दूसरी रिलीजन के भी अगर यूज किए हुए कपूर तो उनको पता ही होगा, है ना। वो कभी आप लोग देखते हैं क्या कि कपूर जो है आप जब उसको बर्न किए तो उसके बाद उसका जो लिक्विड है आपको वहां पे मिलता है क्या? नहीं ना, वो क्या होता है पूरा गैस में बन जाता। तो कपूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कपूर को, कैम्फर, कैम्फर ना। उसके अलावा और क्या होता है आपका, एक तो चीज जो है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग याद स्टार्टिंग से याद करते जाओ, आपको लास्ट में काम आएगा। ठीक है, 9th से केमिस्ट्री लास्ट में ये सब काम आने वाला है। ठीक है, तो NH4Cl ये चीज भी होता है आपका। और इसके अलावा जो है आपका एक इसका एक्टिविटी जो हो वो वाला एक्टिविटी आप लोग खुद पढ़ो, अगर आपको एक्टिविटी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में बताना, हम उसको समझा देंगे। ठीक है, फिर आप लोग कोई अगर इंस्टाग्राम पे हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से जाकर फॉलो करके DM कर सकते हो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो। NH4Cl में होता है और कहाँ कहाँ होता है, बारिश हो रहा है यहाँ पे आज तो NH4Cl में होता है अमोनियम क्लोराइड में यानी कि। ठीक है, और किसमें किसमें होता है, सॉलिड CO2। अच्छा सॉलिड CO2 का यूज और कहा, आप लोग कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह देखोगे उसमें जो स्मोक का इफेक्ट आता है ना वो भी सॉलिड CO2 का जो होता है वो भी सॉलिड CO2 ही होता है। ठीक है, वो सॉलिड CO2 इतना जो होता है ना इतना मतलब उसका लोअर टेम्परेचर पे उसका मतलब गैसेस फॉर्म में बदल जाता है कि आप उसको नॉर्मली ऐसे हवा में रखोगे ना तो भी वो मतलब गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, है ना, सब्लिमिनेट कर जाएगा। सब्लिमिनेट यानी कि सब्लिमिनेट क्या होता है कि जो चीज पर जो वो सब्लिम समझ लेता है, जो चीज हमारा सब्लिमिनेशन में जाता है यानी कि जैसे नेपथलिन बॉल सब्लिमिनेशन में है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिम, सब्लिम। ठीक है, सब्लिम बोलते हैं। और जो इससे जैसे कि सॉलिड CO2 के केस में हुई है सब्लिम बन गया, अब सॉलिड CO2 क्या बनता है, गैसियस CO2 बन जाता है ना, ये क्या हो गया यार सब्लिमिनेट, जो प्रोड्यूस हुआ सब्लिमिनेट, जो उसमें अंडर में गया सब्लिमिनेशन प्रोसेस में गया उसको हम बोलते हैं सब्लिम। ठीक है, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है ना। इसके बाद तो आप लोग एक ट्राइंगल बना सकते हो, उसका ट्राइंगल यहाँ पे गैस रखो, यहाँ सॉलिड रखो, यहाँ लिक्विड रखो, इसका ट्राइंगल कैसे बनेगा वो आप लोग बना के बताइयो, है ना। सबको तो पता चल ही गया होगा कैसे इसका ट्राइंगल बनने वाला है क्योंकि अब तो सब पता है वो सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड डायरेक्ट कैसे होता है, सॉलिड टू लिक्विड कैसे जाता है, लिक्विड टू सॉलिड कैसे जाता है, लिक्विड टू गैस कैसे जाता है, गैस टू लिक्विड कैसे जाता है। ये ट्राइंगल आप लोग खुद से बट बना के ट्राई करना ना। उसके अलावा जो है आपके जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाते हो, गर्मी का मौसम में आइसक्रीम तो खाना ही पड़ता है ना, अभी कोविड के टाइम में भले नहीं मिल रहा होगा बट घर में तो खा ही लेते हैं, तो उसको छोड़ते जो हमारा जो आइसक्रीम वाला होता है ना, आइसक्रीम का जो हमारा वो
एक तो बक्सा भी लेके घूमता लाल वाला गाड़ी में, वो आइसक्रीम का जो बक्सा होता है जिसमें वो रख के आता है, उसमें होता क्या, उसमें सॉलिड CO2 ही होता है। सॉलिड CO2 क्यों रखा जाता है कि जब वो सबलिमिनेट करेगा तो वो क्या करेगा, आसपास से हीट लेगा, आसपास से अगर वो हीट एब्जॉर्ब किया मतलब आसपास का माहौल कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा ना, तो बस आइसक्रीम को वैसे वो ठंडा रखता है। तो अब ये ठंडी का बात हुआ तो थोड़ा हम लोग क्या, थोड़ा अभी इसके पहले हम लोग एक और चीज जानते हैं कि प्रेशर में भी हमारा जो है सब्सटेंस चेंज होता है, तो वो कैसे होता है तो हम लोग समझ लेते हैं। तो जो प्रेशर का जो चेंज होता है वो हम लोग वैसे बेसिकली जो हम लोग चीज जो वो देखते हैं वो है हमारा जो हमारा LPG होता है, ठीक है, क्या था हम लोग प्रेशर चेंजिंग ना, प्रेशर चेंज, ये पीयर प्रेशर या जो हमारा टेंशन होता है वो वाला प्रेशर नहीं है, एटॉमिक प्रेशर का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर चेंज है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैस का पार्टिकल्स होता है उसका पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा हद तक दबा सकते हैं। अच्छा जब हम उसको दबाएंगे उसके बाद क्या, थोड़ा सा नजदीक आएगा, जब वो थोड़ा सा नजदीक आएगा तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, यहाँ पे क्या बन गया वो लिक्विड, यहाँ पे क्या था वो गैस, जब लिक्विड तो और हम दबाएंगे हाँ, इसको और दबा दिए, ये हमारा क्या बन जाएगा सॉलिड। यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम लोग गैस में थोड़ा प्रेशर डालते हैं, जैसे हम आउटसाइड प्रेशर डालें, आउटसाइड प्रेशर से क्या हुआ हमारा कि जो भी हमारा जो दूर दूर है जो पार्टिकल्स है वो क्या हुआ सामने आया, सामने आया तो ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में समझ में आएगा कि जैसे हमारा जो भी चीज का डिस्टेंस अगर कम होता है उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब इसका डिस्टेंस कम हो दो पार्टिकल्स के बीच में तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया यानी कि वो क्या होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा और यहाँ पे लिक्विडाइज हो गया, जब और हम नजदीक करेंगे तो और सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो यही होता है आपका प्रेशर का चेंज। बस अब जो अभी हम आपको एक चीज बताए थे वो आइसक्रीम वाला जो बोले थे बॉक्स का, तो वो चीज को हम लोग समझेंगे इवापोरेशन में, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इवापोरेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग बात करने वाले इवापोरेशन के बारे में। तो इवापोरेशन तो सबको जानते हैं कि जो हमारा जो भी अगर कोई भी अगर हम लोग पानी लेते हैं कोई इसका सरफेस पे, जैसे कि हम लोग कहीं पे भी कोई वाटर या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ले लें, वो क्या करते हैं अपने आप थोड़ा वेपराइज होता है, ऊपर का सरफेस जो ऊपर का लेयर होता है ये क्या होता है वेपराइज होता है, तो इसी को इवापोरेशन बोलते हैं। भाई लिक्विड टू गैस, यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल हीट नहीं देना पड़ता, एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल नहीं देना पड़ता ना, एक्सटर्नल हीट नहीं देना पड़ता। तो अब बहुत मेरे दिमाग में हुआ कि इवापोरेशन बॉइलिंग में अंदर क्या हुआ, तो वही आपको बॉइलिंग के लिए आपको एक्सटर्नल हीट देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं होता, ये अपने आप टेक प्लेस होता है वहां पे ना, अपने आप ही काम होता है यहाँ पे। उसके अलावा जो है बॉइलिंग जो है अपना नीचे से स्टार्ट होता है, पानी पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है फिर ऊपर वाला फिर ऊपर वाला, है ना, वहाँ पे जो है कुछ अगर आपको याद होगा आप लोग जब 7th में हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, तो जो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड कैसे जैसे कन्वेक्शनल में होता है ना, ऐसे ऐसे ग्राउंड में नीचे वाला पानी जब गर्म होता है ऊपर आता है फिर वो नीचे आएगा ठंडा होकर, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम है कि उधर आपका बॉइलिंग में इधर नीचे वाला पानी गर्म होता है, नीचे वाला पानी बॉयल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका ऊपर वाला से ही स्टार्टअप होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाला से स्टार्टअप क्यों होता है, तो जैसे कि हम लोग को लिक्विड ले रहे ना, तो लिक्विड में क्या होता है कि ऊपर से क्या होता है कि ना कि हर पार्टिकल का जैसे कि यहाँ नीचे का जो बॉटम और पार्टिकल है वो जरूरी नहीं है कि उसके पास सेम काइनेटिक एनर्जी जितना ऊपर वाले के पास, ठीक, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम ही टेम्परेचर समझ सकते हो आप लोग थोड़ा, है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, इसे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, ज्यादा होने से क्या करेगा, वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक चलना स्टार्ट करेगा, उससे क्या होता है आपका कि ये जो है ऊपर वाला इसका जो कुछ कुछ पार्टिकल्स का होता है निकलने लगता है, नीचे से भी निकलता है ऊपर से भी निकलता है, मेजरली जो है ऊपर वाला जल्दी निकलता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वो सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में रहता है, सराउंडिंग थोड़ा ज्यादा हीट होता है तो इसलिए ऊपर वाला जल्दी निकलता है ना, ये चीज होता है उसका। सेम केस होता है कि ऊपर सराउंडिंग से और पानी से भी थोड़ा बहुत जो है हीट लेके वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। उसका फैक्टर्स क्या क्या वो देख लेते हैं। तो पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर से समझ ही सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे क्या होता है इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। जैसे कि उसका बेस्ट एग्जांपल कपड़ा सूखना, कोई भी जब हम लोग जैसे कि ये वाला टी शर्ट ही मान लो या फिर
ये वाला शर्ट मान लो है ना, ठीक है। तो ये शर्ट कभी जल्दी कैसे सूखेगा? अच्छा, ठंडे माहौल में हम लोग जान सकते हैं कि शर्ट जल्दी नहीं सूखता है, और वहीं पर हम लोग गर्मी के मौसम में तो 30 मिनट में ये वाला शर्ट पतला सा सूख जाएगा तुरंत, है ना। उसके अलावा विंड स्पीड, तो जहां पे ज्यादा स्पीड में विंड बहता है तो वहां पे हम देखते हैं क्या कि उससे क्या होता है कि टेम्परेचर मतलब इवेपोरेशन जल्दी होता है ना। तो वैसा क्यों होता है दोनों केस में भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना जल्दी टूटा उसका मतलब वो वेपराइज हो गया। अब विंड स्पीड में देखो, जैसे कि ये शर्ट हुआ, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कोई इसका पॉइंट में यहाँ पे हम मार्कर से दिखा नहीं सकते तो शर्ट बर्बाद होगा तो मम्मी मारेगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भीगा हुआ, ठीक है, भीगा हुआ रीजन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होगा, इसके आसपास में जो भी सराउंडिंग का, अगर यहाँ पे मान लेते हैं वाटर का पार्टिकल हुआ इसके आसपास यहाँ पे आजू बाजू, ठीक है, यहाँ पे वाटर का पार्टिकल मान लेते, ये जो है वाटर का पार्टिकल हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पे विंड आया तो ये सब क्या होगा, उड़ जाएगा यहाँ से। जब सामने का वाटर का पार्टिकल उड़ गया यानी कि उसके पास और थोड़ा कैपेसिटी कि वो और वाटर पार्टिकल को अपने पास ले ले, एयर के पास और वाटर लेने का कैपेसिटी आ जाएगा। जब एयर के पास और वाटर को वो गेन कर सकता तो उससे क्या होगा, शर्ट का पानी जल्दी निकल जाएगा। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे लो होगा वैसे वैसे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, है ना, इवेपोरेशन वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो ह्यूमिडिटी लो होगा यानी कि सराउंडिंग में वाटर का मॉलिक्यूल कम होगा, सराउंडिंग में अगर वाटर का मॉलिक्यूल कम है तो वो क्या करेगा, जैसे कि हम लोग डिफ्यूजन में देखे थे, क्या करेगा, वहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन ले जाएगा। तो वाटर हाई कहाँ पे है, शर्ट में है, तो शर्ट से कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में, तो इवेपोरेशन हो गया, वही आपका इवेपोरेशन हो गया। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड या फिर सरफेस एरिया कोई भी आप जिसमें लिक्विड है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये शर्ट है ना, इसको हम लोग मोड़ कैसे क्या फेंक देंगे पानी में गीला करके तो जल्दी सूखेगा नहीं, अगर हम लोग इसको अच्छे से ऐसे झाड़ के एकदम मस्त ऐसे पसारते हैं ना तब ना हम लोग का जो जल्दी सूखेगा, है ना। जो कपड़े धोते हैं उनको पता होगा, कपड़े धोना पसंद ना, वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का जो एक चीज बताया हमको कि वहां पे आस पास में वो क्या करता है, वो अपने आस पास से हीट एब्जॉर्ब करता है और अपने जो वाटर का जो उससे वो हीट एब्जॉर्ब करता है, है ना। अच्छा, एक और जो सरफेस एरिया का एक और एग्जांपल है, आपको पता हो कि जब हम लोग चाय पीते हैं प्याली में तो इसका जो प्लेट होता है उसमें हम लोग डाल के पीना ज्यादा ठीक रहता है ना, या फिर उसको फूक मारते हैं। दोनों देखो, विंड स्पीड भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं प्लेट में डाल के, हा? तो उससे क्या होता है कि सेम वही जो रीजन था वही से सेम, और सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि उसका जो इवेपोरेशन और एरिया हुआ, जैसे कि आपका पहले इवेपोरेशन इतना एरिया में हो रहा था, आप उसको बढ़ा दिया, अब इतना एरिया में इवेपोरेशन हो रहा है, अब बताइए ऑपरेशन इसमें जल्दी होगा किसमें जल्दी होगा, ऑब्वियस सब बात है इसमें होगा, है ना। तो इवेपोरेशन जो है आपको कूलिंग इफेक्ट करता है ना, इवेपोरेशन लाइटिंग खराब है भैया जानते हैं, तो कूलिंग है ना, ये कैसे होता है, तो इसका जो एग्जांपल है आपको ऐसा समझो, जब आप चाय पीते हो फूक मारते हो, ठंडा होता है, ठंडा करने वाला फूक मार रहे हो तो इवेपोरेशन फास्ट करने के लिए फूक मारते हैं, वो जब इवेपोरेशन फास्ट होता है तब क्या होगा, कूलिंग होगा वहां पे, क्यों, क्योंकि जब भैया अगर हम वहां पे जैसे ये हो गया हमारा चाय का प्याली यहाँ पे उसका सरफेस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा चाय यहाँ पे, ठीक है, जब हम इसमें फूक मारे, ठीक है, ये हवा गया यहाँ, अब यहाँ पे वाटर का पार्टिकल्स आएगा, ठीक है, वाटर का पार्टिकल्स निकलेगा कैसे यहाँ पे, अब हम इसको एक्स्ट्रा तो कुछ हीट देने रहे, वो हीट लेगा कहाँ से, तो उसका जो नीचे वाला जो चाय का लेयर होगा यहाँ पे, इसका जो नीचे वाला चाय का लेयर होगा यहाँ से वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपराइज होगा, ठीक है। जब वो नीचे वाला चाय से हीट एब्जॉर्ब करता तो नीचे वाला चाय का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा ना, उससे तो हीट ले रहा है वो, तो क्या होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा, टेम्परेचर घटा यानी कि कूलिंग हुआ। वही सेम केस होता है हमारा स्वेट भी, गर्मी का मौसम में स्वेट भी निकलता है ना, स्वेट क्यों निकलता, वही टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ कैसे कि हम लोग जब स्वेट निकला हमारा, स्वेट क्या करेगा, हमारा जो बाहर का जो पसीना हुआ वो क्या करेगा, स्किन से जो है हमारा जो स्किन का ऊपर वाला लेयर है वहां से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वो वेपराइज होगा, वेपराइज हुआ यानी कूलिंग हो गया वहां पे, है ना, तो वहां से वो इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। फिर वहीं पे बहुत जन होता है जो नेल पॉलिश वगैरह, जो यहाँ पे जो भी गर्ल्स वगैरह देख रहा होगा, नेल पॉलिश लगाते लगाते जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, रिमूवर
ठीक है, वो कभी कभार हाथ वगैरह में लग जाता है तो क्या होता है वहां पे बहुत ठंडा महसूस होता है ना। उसके अलावा जो स्पिरिट हुआ, स्पिरिट यानी कि वो जो इंजेक्शन लेते टाइम जो एक स्प्रे वगैरह का जो लिक्विड लगाते थे वही में लगा के, तो स्प्रे आ गया, तो स्प्रे लगाते वो क्या करता है पूरा उस घर का एरिया को ठंडा कर देता है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हो ईथर हो गया, पेट्रोल से भी वही सेम होता है, वहां पे इवापोरेशन जल्दी होता है उसका जो है ना, वो लोग कम टेम्परेचर मतलब वो वेपराइज हो जाता है, इसलिए लोग ज्यादा लैटेंट हीट नहीं चाहिए, लैटेंट हीट। और वहीं आपका नेल पॉलिश रिमूवर हो गया और बहुत सारा और कौन कौन से केमिकल है आप लोग नीचे कमेंट में बताना। वही कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम केस में ऐसे ही करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे बॉक्स में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और उसकी जगह हम लोग नॉर्मल आइस क्यों नहीं रखते, उसका एक रीजन है क्योंकि अगर हम लोग आइस रखेंगे वो जब मेल्ट होगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर बनेगा तो बॉक्स का फिर वेट ज्यादा हो जाएगा ना। वहीं अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं तो वो हमारा कूलिंग भी कर रहा प्लस वो गैसेज समय बन को निकल भी जाता बार में ना, छोटा छोटा वेंटिलेशन सिस्टम रहता है वहां पे तो वहां से निकल जाता है। वैसे आपका दोनों काम हो गया, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा साफ करने में, ज्यादा वजन भी लेके नहीं धोना पड़ेगा कि आपका फालतू वाटर है तो उसका कोई वजन भी नहीं धोना पड़ेगा, कितना अच्छा हो गया। अब जो है अब थोड़ा बात कर लेते हैं, इवापोरेशन वगैरह देख लिए, अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो है ये मेनली आपका स्टार्स, स्टार्स बोले तो इसमें आपका एक सन भी आ गया, ये सब में पाया जाता है। तो ये होता कैसे, ये बनता कैसे वो समझते हैं। तो प्लाज्मा जो बनना है, बनना नहीं मतलब प्लाज्मा जो सब हमारा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, एक ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं पहली बार। ये जो है आप लोग जो बल्ब वगैरह देखते हो नियॉन साइन बल्ब जो थोड़ा रेड कलर का होता है, इसमें थोड़ा ये वो इलेक्ट्रिसिटी वाला देखते हैं ना जो मिस्टर बीन वाला, जो अगर क्लिप हमको मिला तो हम इधर वीडियो पर लगा देंगे वैसे, ठीक है अलग से। आपको नियॉन साइन बल्ब जो होता है वो जिसपे आप लोग हाथ रखने से आप बल्ब जो है खड़ा हो जाता है वो वाला नियॉन साइन बल्ब होता है, ठीक है वो वाला मिस्टर बीन देखा हो तो उन लोगों को पता होगा है ना, वहां पे बहुत बार उसका दिखाया भी है एपिसोड वो वाला, कि उसमें वो नियॉन साइन बल्ब के ऊपर अपना हाथ रखता है उसका उसका सारा बाल ऐसे खड़ा हो जाता है, वही खड़ा हुआ बाल लेके वो हर जगह घूमता रहता है ना, उसमें हर कुछ चिपकने लगता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो चिपकना तो अलग रीजन से हो गया। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज लिए ना, जैसे कि ये मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है इसका हम लोग क्या करें बहुत ही लो प्रेशर में इसको डाल दिए, ठीक है जैसे कि हमारा जो नियॉन हुआ, जो नियॉन साइन बल्ब में जो हमारा नियॉन यूज होता है, नियॉन क्या हमारा एक गैस है, कौन सा गैस है वो आप लोग बताओगे, ठीक है ये नोबल गैस में होता है ना, इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं लो प्रेशर कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर करते हैं, लो प्रेशर में इसको डालते हैं, लो प्रेशर यानी उसका दबाव कम कर देते हैं ना, उसके ऊपर से जब उसका क्या करते हैं एयर का जो प्रेशर है उसको कम कर देते हैं ना, नियॉन के ऊपर से जब उसका एयर का प्रेशर कम करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब उससे पास करते तो उसमें उस टाइम क्या फॉर्म होता है, उस टाइम हमारा जो है प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है। कब फॉर्म हुआ, जब हम लोग नियॉन को लो प्रेशर में रखें और से इलेक्ट्रिसिटी पास की तब वहां पे प्लाज्मा फॉर्म हुआ है ना। वो कुछ आपको रेड कलर का कुछ अच्छा कलर भी दिखता है, बहुत बार जो फ्लोरोसेंट बल्ब होता उसमें जो है मरकरी के साथ भी ऐसा ही किया जाता है ना, ये हो गया प्लाज्मा। अब जो है बात करते हैं हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीई, क्या हुआ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो चीज है इसका जो इक्वेशन था पहली बार 1920 में सत्येंद्र बोस ने बनाया था, ठीक बोस मिल गया आपको। अब आइंस्टाइन कहां से आया वो देखते हैं। तो सत्येंद्र बोस जब ये इक्वेशन बनाया तो उस टाइम जो बहुत ही नॉन साइंटिस्ट थे हमारे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन उनके पास उन्होंने वो इक्वेशन दिखाया। तो यहाँ पे देखो आइंस्टीन का नाम आ गया, अल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने इक्वेशन दिखाया, बोला कि हाँ ये पॉसिबल है, बट उस टाइम उनके पास वैसा सफिशियंट जो मटेरियल या टेक्नोलॉजी बोलो वो नहीं था 1920 में, तो उन्होंने ये नहीं मतलब उसका जो मैटर था उस टाइम वो बना नहीं, ठीक है बट उन्होंने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो है 1995 में हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट आया उन्होंने बोला, उन्होंने इसको बना डाला, ठीक है। और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज कब मिला, 2001 में उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए
लिया, ठीक है, नोबेल प्राइज 2001 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था ये बीईसी बनाने के लिए। उन्होंने बनाया कैसे वो समझते हैं। तो बीईसी बनाना बहुत ही मतलब मुश्किल बोल सकते हैं, क्योंकि वैसा आपको जल्दी कंडीशन मिलेगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, सब्सटेंस लिए, इसका क्या करो आप लोग, डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल बोलते हैं, डेंसिटी लिख देते हैं। डेंसिटी जो है नॉर्मल से कितना, 1/1,00,000 कर दो, इसका डेंसिटी 1/1,00,000 यानी कि 10^-5 करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि आपका 1 kg, सॉरी 1 liter बोल सकते, 1 m³, 1 m³ में जितना उसका डेंसिटी होगा उससे 1,00,000 आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा आपको कम करना पड़ेगा, बट जो है उसका साइज वही रहेगा, उसका साइज उतना, जैसे कि इसका साइज इतना तो इतना ही रहेगा, बट इसका जो है अंदर का वेट जो, यानी कि इसका जो मास होगा वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता हमारा डेंसिटी, उसको हम लोग कितना कम करेंगे, 1/1,00,000 कम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा करेंगे, ठंडा यानी कंडेंसेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 केल्विन पर इसको कूल करते हैं, और हम बता चुके थे 0 केल्विन जो है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है ना, इतना डिग्री पे इसको ठंडा करते हैं। तो अब जो हमारा जो मैटर फॉर्म होगा वो होगा बीईसी फॉर्म होगा। अब बीईसी का खासियत क्या है, इसमें जो है इसके अंदर सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और क्या खासियत है इसका कि इसका, इसको एक टाइप से आप बोल सकते सुपर कंडक्टर, इससे मतलब कि हल्का सा भी रेजिस्टेंस नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस वगैरह आपको 10th में पता चलेगा, बट इतना समझ लो कि जब हम लोग कॉपर वायर से भी कभी कभी जो करंट पास होता है तो आप देखो कॉपर वायर थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत एकदम मिनिमम बहुत कम गर्म होता है, बट बीईसी से अगर पास हो ना गर्म होगा ही, वो गर्म होने वाला ही नहीं, क्यों, क्योंकि उस जो है सुपर कंडक्टर होने का कारण क्या होता है वहां पे कि उसमें हल्का सा रेजिस्टेंस नहीं होता है, और रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण वहां पे क्या होता है, हीट जनरेशन नहीं होता। ये जो चीज आपको 10th में अच्छे से समझ में आएगी, जब 10th में आओगे एक बार इसको देख लेना, ठीक है, बीजी वाला आपको 10th में अच्छे से समझ में आ जाएगा, रेजिस्टेंस वगैरह है ना। अच्छा जो जनरल बता देते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकना, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना। तो कॉपर वगैरह में बहुत ही कम होता है, और इसमें ना के नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, उसमें ना से थोड़ा ज्यादा होता है बट कम होता है, कुछ कितना हमको रेजिस्टिविटी याद नहीं उसका, ठीक है। कॉपर का भी होता है लेकिन 10^-21 के आसपास कुछ है, ठीक है, और इसका तो और भी कम होगा ना। तो यही था, तो बस आज के लिए बस इतना ही क्या, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो इसके अलावा आपको कोई, अगर आपको पास कोई इंटरेस्टिंग सवाल हो तो #YSeries पे कमेंट कर देना, है ना, कोई भी वीडियो पे कमेंट कर देना, या फिर आप हमको इंस्टा पर DM कर सकते हो, कोई भी इंस्टा के पोस्ट पे कुछ भी आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना आपके पास कोई क्वेश्चन हुआ, आपके पास कोई आपको कुछ चीजें इसमें समझ नहीं आई होंगी तो आप हमको इंस्टा पर पर्सनली DM करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, और हो सके तो चैनल को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आजू बाजू वाले दोस्तों को, दूर वाले दोस्तों को, अमेरिका वाला कोई अगर आपका दोस्त रहता है उसको शेयर कर दो, पूरा दुनिया में फैला दो, क्या उल्टा सीधा बहुत बोल रहे, खैर तो बस शेयर कर देना, और बोलना अपने दोस्त को भी कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।